बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बायस फ़ख्र इलामा इकबाल ने शायरी का आगाज़ स्कूल के ज़माने से किया था। वो तारीख़ आलम से वाकिफ़ थे और इसलिए मुसलमानों के ज़वाल के असबाब से भी आगाह थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हरकत व अमल का पैगाम दिया। उनका फ़लसफ़ा खुदी और तसव्वुर मर्द मोमिन मुसलमानों के लिए मशले राह बन गया। मंजर नगारी पर भी उन्हें बहुत शुबूर हासिल था। इकबाल की शायरी रवायात और जुदत का बेहतरीन इम्तिजाज है। अपनी बेपना शायराना हसियात के बायस उन्हें शायर मशरक, हकीमुल उम्मत और नमाज फितरत कहा जाता है। अरबी और फारसी जबान जानते थे और अपनी शायरी में कुरानी आयात का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। इलामा इकबाल की बहुत ही नज़्मों में से एक खूबसूरत नज़्म है, बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, जिसमें उन्होंने हमें इत्तेफाक और अहूत का दर्स दिया है और बताया है जो पर अपनी कौम और मिल्लत से अलग हो जाता है उसकी कोई पहचान बाकी नहीं रहती। डाली गई जो फसलें खजां में शजर से टूट, डाली गई जो फसलें खजां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। फैला जवाल दे हजार उसके वास्ते, फैला जवाल दे हजार उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं थे उसे वर्गो बार से। कि तेरे गुलिस्तान में भी फसले हजार का दौर, खाली के जेबे गुल जरे कामिल हयार से। जो नगमे ज़ाते खिलवते औराद में तुयूर, जो नगमे ज़ाते खिलवते औराद में तुयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायदार से। शाहे बुरीदा से सबक अंदोज हो गए तू, ना आशना है कायदा है रोजगार से। के वस्ता रहे शरीर से।